morning, students. Hope you all are fine and safe at home and studying in an excellent manner through these videos. Students, today in this video lecture, we will do exercise of lesson number 2, My Story Bright the Butterfly. So, first of all, you have to take out your tulips and open page number 19. Students, there is one exercise on page number 19, that is choose the correct answer and fill in the blanks and put right or wrong. So यहाँ पे हम choose the correct answer means fill in the blanks करेंगे and write wrong करेंगे, okay? So first is the name of the butterflies. तो students, हमने lesson number 2 जो learn किया अभी, हमने explanation part में देखा, तो उसमें जो butterfly है उसका name क्या है? Bright, white, kite और light. So टाइटल में ही है माय स्टोरी ब्राइट द बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई का नेम क्या है? ब्राइट. सो आपको यहाँ पे लिखना है ब्राइट. नेक्स्ट, द कैटरपिलर वाज बोर्न ऑन अ. सो कैटरपिलर है वो कौन सी ट्री पे उसका बोर्न हुआ है? सो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा कि कैटरपिलर जो है उसका बोर्न लाइम ट्री पे हुआ है, LIME लाइम ट्री. तो आपको यहाँ पे लाइम लिखना है. नेक्स्ट, द कैटरपिलर वॉज ब्लैंक मीन्स कैटरपिलर है वो कैसी थी? अगली, ब्यूटीफुल, स्मार्ट और एंग्री. सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कैटरपिलर के बारे में पूछा है, बटरफ्लाई के बारे में नहीं. अगर बटरफ्लाई होता सो हमें यहाँ पे लिखना था ब्यूटीफुल, बट हमें यहाँ पे कैटरपिलर का पूछा है. तो कैटरपिलर पहले कैसी दिखती थी? सो अगली दिखती थी, UGLY अगली. नेक्स्ट, मिस्टर ग्रास हॉपर वॉज ब्लैंक इन कलर. सो यहाँ पे हमें ग्रास हॉपर का कलर पूछा है. ग्रास हॉपर कौन से कलर का था? सो ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर दोनों कौन से कलर के थे? ग्रीन. सो यहाँ पे हमें करना है ग्रीन. नेक्स्ट, द बटरफ्लाई हैड गोल्डन विंग्स विथ ब्लैंक कलर्स. सो बटरफ्लाई को गोल्डन विंग्स तो थे, बट उसमें कलर्स कौन कौन से थे? सो आपके ऑप्शंस है रेनबो, अगली, लाइट और फेडेड. बट बटरफ्लाई को कौन से कलर्स थे? रेनबो कलर्स, मतलब बहुत सारे कलर्स एक साथ थे, जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, राइट? सो यहाँ पे रेनबो, ओके? स्टूडेंट्स ये आपको इस वीडियो की हेल्प से मेरे साथ साथ अपनी टुलिप्स में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, राइट रोंग है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रोंग. द कैटरपिलर एट ऑल डे लॉन्ग, मतलब कैटरपिलर है वो पूरे दिन खाती रहती थी. सो द स्टेटमेंट इज राइट. द कैटरपिलर ट्राइड टू ईट लकी लेडी बर्ड्स लेग. कैटरपिलर ने लकी लेडी बर्ड के लेग को खाने की कोशिश की थी. सो द स्टेटमेंट इज रोंग. लकी कैटरपिलर ने तो ग्रास हॉपर के लेग को खाने की कोशिश की थी, राइट? सो ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग. नेक्स्ट, द नेस्ट वॉज वेरी टाइट अराउंड द बटरफ्लाई. नेस्ट है वो बटरफ्लाई के अराउंड एकदम टाइट हो गई थी. सो ये जब कैटरपिलर सोने गई और जब वो जगी तब उसके आसपास जो नेस्ट थी वो एकदम टाइट हो गई थी. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? राइट. सो यू हैव टू पुट योर राइट. नेक्स्ट, लकी लेडी बर्ड गेव द बटरफ्लाई अ ब्राइट फ्लावर. सो लकी लेडी बर्ड ने बटरफ्लाई को एक ब्राइट फ्लावर दिया. सो यस, दिया था. सो ये स्टेटमेंट कैसा है? राइट. सो हियर यू हैव टू पुट राइट. द बटरफ्लाई हैड रेनबो कलर्स ऑन इट्स विंग्स. बटरफ्लाई को रेनबो कलर्स है उनकी विंग्स पे, मतलब बटरफ्लाई के जो विंग्स है गोल्डन विंग्स उसमें रेनबो कलर्स है. सो यस राइट. सो आपको यहाँ पे राइट करना है, ओके? नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोकैबुलरी है पेज नंबर 20 पे. यहाँ पे शेप्स है, राइट? उस शेप को उसके करेक्ट नेम के साथ हमें मैच करना है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल, CIRCLE सर्कल. सो यहाँ पे सर्कल फाइंड करके हमें मैच करना है. सो यहाँ पे सर्कल है ऑलरेडी, राइट? देन SQUARE स्क्वायर. सो वी हैव टू मैच दिस. एंड लास्ट ट्राइंगल. सो ये वाला ट्राइंगल है, इसके साथ आपको मैच करना है.
नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनंसिएशन, जो कि ऑलरेडी हमें पता है. प्रोनंसिएशन में क्या आता है? राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे वन वर्ड दिया हुआ है और उसके जैसे और टू थ्री राइमिंग वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने, और राइमिंग वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करने जिसका कोई मतलब निकलता हो. यहाँ पे वन वर्ड गिवन है LONG, लोंग. तो लोंग जितने और राइमिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? राइमिंग वर्ड्स का मतलब अभी आपको पता है कि जब हम उसे बोले तो उसका जो साउंड होता है, राइम क्रिएट होता है, उसका साउंड सेम निकलता है, राइट? सो रोंग, सोंग, स्ट्रोंग, राइट? यहाँ पे है बिलोंग. तो ये सारे है वो क्या है? लोंग के राइमिंग वर्ड्स है. नेक्स्ट है विंग, WING, विंग. तो SING, सिंग, KING, किंग, RING, रिंग, राइट? है ना? यहाँ पे THING, थिंग, ZING, जिंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे यहाँ पे राइटिंग स्किल है. ओके, यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है और जो मिसिंग है वो हमें लिखना है. फर्स्ट है यहाँ पे MAN, मैन लिखा हुआ है और ब्रैकेट में F दिया हुआ है. सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये कौन सा पिक्चर है? फैन. सो यहाँ पे M है वो डार्क किया हुआ है, राइट? सो यहाँ पे हम M की जगह पे F कर देंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? फैन. प्लीज स्विच ऑन दी फैन. नेक्स्ट है यहाँ पे CAN, कैन, और यहाँ पे कौन सी पिक्चर है? कैट. तो कैट की स्पेलिंग होती है CAT, कैट. सो हमें यहाँ पे ब्लैंक पे लिखना है CAT, कैट. नेक्स्ट है BUD, बड, यहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ पे पिक्चर है बेड की. सो बेड की स्पेलिंग क्या होती है? BED, बेड. सो यहाँ पे हमें करना है BED, बेड. उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है? PIN, पिन. सो हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है पिन. दैट पिन इज शार्प. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 की पोस्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. आपको इस वीडियो की हेल्प से ये अपने टुलिप्स में कंप्लीट करना है और साथ में इसे लर्न करना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.